कश्मीर पर खून के आंसू रोता रह गया पाकिस्तान और तुर्की कर गया खेल। पाकिस्तान को गच्चा देते हुए कश्मीर में हो गया बड़ा खेल। राष्ट्रपति चुनाव के बीच भारत पर मेहरबान क्यों हो गया तुर्की? दोस्तों, पाकिस्तान के जिगरी दोस्त और भारत के विरोधी देश तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं और दोस्तों भारत और तुर्की के अच्छे रिश्तों के लिए मौजूदा राष्ट्रपति एर्दोगन का हारना बेहद जरूरी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत और तुर्की कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एर्दोगन ने उन पर कालिक पोत डाली। अब वहां पर 14 मई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ, लेकिन किसी को भी 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं हुए। शुरुआती नतीजों में तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति एर्दोगन और विपक्षी नेता कामेल आगे थे, लेकिन उसके बाद बड़ा उलटफेर हो गया। दोस्तों, कामेल को तुर्की का गांधी भी कहा जाता है और अब तुर्की में 28 मई को राष्ट्रपति पद के लिए रन ऑफ इलेक्शन यानी कि निर्णायक मुकाबला होगा, जिसमें ये तय होगा कि कई साल से सत्ता पर काबिज एर्दोगन क्या फिर से सत्ता में आएंगे या फिर नहीं। अब दोस्तों, तुर्की का ये चुनाव भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? और इसी बीच तुर्की ने पाकिस्तान को गच्चा देते हुए कश्मीर पर एक बड़ा खेल कर डाला है, वो कश्मीर में आकर के बैठ गया है। तो आखिर ऐसा क्यों हो गया? तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम तुर्की वाले चुनाव की बात करते हैं, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीर को लेकर की क्या कुछ मामला हो रहा है। तो दोस्तों, तुर्की के इस चुनाव के रिजल्ट पर भारत और तुर्की के रिश्तों का भविष्य टिका हुआ है, क्योंकि दोस्तों हाल फिलहाल भारत और तुर्की के संबंध काफी तनावपूर्ण चल रहे हैं। तुर्की ने हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया और राष्ट्रपति एर्दोगन ने कई बार कश्मीर को लेकर के यूएन और कई मंचों पर विवादित बयान दिए हैं। साल 2019 में जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई थी, तब तुर्की ने पाकिस्तान के द्वारा इसका विरोध किए जाने का समर्थन किया था। यानी कहने का मतलब यह है कि पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानने के कारण भारत और तुर्की के संबंधों में काफी खटास आई, लेकिन इस समय तुर्की में हालात एर्दोगन के पक्ष में नहीं है। तुर्की खुद इस वक्त आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। तुर्की की मुद्रा लीरा अब तक के सबसे निम्नतम स्तर पर है। रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से उसकी विदेश नीति भी काफी ज्यादा इफेक्ट हो चुकी है और रही सही कसर इस साल के शुरुआत में आए भूकंप ने पूरी कर दी है, लिहाजा तुर्की में समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, एर्दोगन साल 2002 के आखिर से ही तुर्की की सत्ता में काबिज हैं। पहले वो तुर्की के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद राष्ट्रपति, और इन्हीं 20 सालों में तुर्की अपनी बर्बादी काफी कुछ हद तक देख चुका है, क्योंकि यहां लगातार इस्लामिक कट्टरता बढ़ती ही जा रही है। वहीं तुर्की को यूरोपीय यूनियन के करीब लाने के लिए एर्दोगन ने अपनी सेना के पावर को भी कमतर किया। दोस्तों, 2016 में एर्दोगन को तख्ता पलट करने के लिए भी एक कोशिश हुई थी। एर्दोगन ने आरोप लगाया कि तख्ता पलट के पीछे एक तुर्की इस्लामिक मौलवी फेतुल्ला गुलेन का हाथ था, जो अब अमेरिका भाग गया है। इसके बाद से उन्होंने पूरी सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली और इसके बाद उन्होंने अपने खिलाफ बोलने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां करना भी शुरू कर दिया। तुर्की में कई मीडिया घरानों को या तो बंद कर दिया गया या फिर एर्दोगन के समर्थकों ने उनको अपने कब्जों में ले लिया। एर्दोगन ने खुद को एक नव खिलाफत मुस्लिम तुर्क साम्राज्य के आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रमुख के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है, मतलब कि खलीफा घोषित कर दिया है, और उसके बाद से कश्मीर, फिलिस्तीन और दुनिया के सभी मुस्लिम संबंधित मुद्दों पर वो खुलकर बोलना और उनका समर्थन देना शुरू कर चुके हैं, ताकि उन्हें मुस्लिम देशों का समर्थन हासिल हो सके और मुस्लिम देश उन्हें अपना सर्वे सर्वा मानना शुरू कर दें। लेकिन दोस्तों, जब चीन में विगर मुसलमानों पर अत्याचार हुए, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनका कत्लेआम हुआ, तब एर्दोगन ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस मुद्दे पर उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इससे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का लोगों को पता चल गया और अब तुर्की की जनता उनको सबक सिखाने के लिए आगे आ चुकी है। लिहाजा अब 50% से ज्यादा उनकी वोटिंग हुई है। लिहाजा दोस्तों, अब तुर्की में सत्ता परिवर्तन के आसार साफ दिख रहे हैं। इस बार उन्हें कामेल किलिक दारुगलू की तरफ से काफी तगड़ी टक्कर मिल रही है। कामेल को 6 पार्टियों का सपोर्ट भी हासिल है और उम्मीद है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो भारत के साथ तुर्की के संबंध काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, काफी मजबूत भी हो जाएंगे, क्योंकि उनको तुर्की का गांधी कहा जाता है। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इस बार G20 की बैठक भी भारत में ही हो रही है। भारत के पास ही इसकी प्रेसिडेंसी है। और दोस्तों, जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने तुर्की की सबसे ज्यादा मदद की थी और उसकी काफी तारीफ भी हुई थी।
तुर्की के नेताओं के साथ ही तुर्की की जनता के मन में भी भारत के प्रति एक पॉजिटिव इमेज बनी हुई है। जबकि एर्दोगन ने खुद को मुसलमानों के नव खिलाफत के नेता के तौर पर पेश कर दिया और अपने वोटर्स को लुभाने के लिए यूनाइटेड नेशंस जैसे प्लेटफॉर्म पर भी कश्मीर का मुद्दा उछाल दिया। जबकि कामेल इस तरह की किसी भी बयानबाजी में नहीं पड़ते हैं और अब दोस्तों अगर सत्ता में परिवर्तन होता है तो फिर भारत के साथ मजबूत संबंध होंगे, क्योंकि दोस्तों इससे पहले की तरह ही दोनों देश खेती, फाइबर टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, स्पेस सेक्टर जैसे फील्ड्स में मिलकर के काम कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत और तुर्की के बीच ट्रेड भी काफी बढ़ चुका है। भारत और तुर्की के बीच 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का कारोबार होता है। भारतीय कंपनियां तुर्की की ऑटोमोबाइल, फार्मा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में काफी अच्छा काम कर रही हैं। तुर्की भारत से काफी कुछ हासिल कर सकता है, वहीं भारत भी तुर्की की मदद से अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। इस तरह अगर दोनों दिशाओं में काम करेंगे तो दोनों का फायदा होगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुर्की में सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि एर्दोगन की नीतियां कभी भी भारत के पक्ष में नहीं रही हैं। लिहाजा आज तक दोनों देशों के बीच संबंध कभी भी ठीक नहीं हो पाए, लेकिन अब भारत और तुर्की दोनों ही अपने संबंध सुधारने के लिए सीरियस हैं और इसका ताजा एग्जांपल कश्मीर को लेकर के देखने को मिला है, जहां G20 समिट से पहले तुर्की की टीम पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में चल रहे दंगों के बीच तुर्की ने ऐसा कदम उठाया है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। पाकिस्तान को तब बड़ा झटका लगा जब तुर्की की टीम कश्मीर पहुंच करके एक बैठक में हिस्सा लेने लगी। दोस्तों 22 से 24 मई को कश्मीर में होने वाली G20 बैठक से पहले तुर्की ने भारत को हैरान कर दिया है तो पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि अगर सत्ता बदलती है तो फिर बड़ा खेल भी हो सकता है, यानी अगर तुर्की में सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर तुर्की सरकार का कश्मीर के प्रति रुख भी बदल सकता है। वैसे दोस्तों अगर तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देगा तो दोनों देशों के बीच संबंध कभी भी नहीं सुधर सकते हैं। लिहाजा इस मामले में तुर्की को न्यूट्रल रहना होगा या फिर पाकिस्तान और भारत में किसी एक को चुनना होगा। और जहां तक बात फायदे की है तो पाकिस्तान इस समय उस हालात में भी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही बर्बादी की कगार पर खड़ा है। बड़ी बात तो ये है कि उसी की वजह से FATF की ग्रे लिस्ट में तुर्की भी पहुंच गया था। वहीं पाकिस्तान खुद ही जब इस स्थिति में है तो वो दूसरों की मदद कैसे कर पाएगा। यानी कि अगर राजनीतिक और आर्थिक फायदे की बात की जाए तो तुर्की के लिए भारत से दोस्ती काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि दोनों ही देश काफी तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज हैं। दोनों के पास ही बड़ी मात्रा में युवा शक्ति है। दोस्तों ये एक दूसरे के कई फील्डों में मदद कर सकते हैं, लेकिन वहां से एर्दोगन का हटना बहुत जरूरी है।